आज है नवरात्रि का दूसरा पावन दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। देवी पार्वती के अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी को नंगे पांव चलते हुए दर्शाया गया है। उनके दो हाथ हैं। वो दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने फर्श पर सोते हुए 1000 साल फूलों और फलों के आहार पर और अगले 100 साल पत्तेदार सब्जियों के आहार पर बिताए। इसके अलावा चिलचिलाती गर्मियों, कठोर सर्दियों और तूफानी बारिश में खुले स्थान पर रहकर उन्होंने सख्त उपवास का पालन किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए 3000 वर्षों तक माँ ब्रह्मचारिणी ने भोजन के लिए केवल बिल्व पत्र लिया। बाद में उन्होंने बिल्व पत्र खाना भी बंद कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या जारी रखी। जब उन्होंने बिल्व पत्र खाना छोड़ दिया तो उन्हें अपर्णा के नाम से जाना गया। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार को हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के संदर्भ में देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए देवी मंगल दोष को दूर करने में मदद करती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। नवरात्रि से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज रडार के साथ। माँ ब्रह्मचारिणी आप और आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। आपको नवरात्रि त्योहार की शुभकामनाएं। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज रडार।